डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मिड विफ्री एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग सो लेट्स बिगिन सो टॉकिंग अबाउट मिड विफ्री पार्ट फर्स्ट ठीक है कौन से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से पहले तो डिफाइन मिडविफरी आपको इसका मतलब पता होना चाहिए या फिर डिफाइन ऑफ करके आ सकता है ठीक है अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ मिडवाइफ एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स एज अ मिडवाइफ एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ मेटर्निटी सर्विसेज इन इंडिया एक्सप्लेन द वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू मेटर्नल हेल्थ इन इंडिया ठीक है आगे है एक्सप्लेन द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया एंड ऑर्गन्स ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन डिटेल्स ठीक है अरे क्या होता है कि आपको सिर्फ नाम ही पूछ लेते हैं कि नेम द ऑर्गन ऑफ इंटरनल जेनेटेलिया और एक्सटर्नल जेनेटेलिया आपको पता होना चाहिए या फिर अलग से करके क्वेश्चन डाल देंगे दैट राइट इन डिटेल्स अबाउट वजायना फेलोपियन ट्यूब्स राइट सर्विक्स यूट्रस मॉन्स ट्यूबिसबिया में नोरा में जोरा ठीक है कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे तो आपको रेडी रहना है ठीक है सारे इसका जो है ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है प्लस आपने डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है ठीक है आगे है एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन प्री कंसेप्शन केयर और जेनेटिक काउंसलिंग क्लियर आगे देखो एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जैसे कि फीटल सर्कुलेशन ठीक है डेफिनेटली आता आता ही आता है आगे है गेमेटोजेनेसिस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं जिसके की पार्टस हैं ऊ एंड टोमेटोजेनेसिस राइट और आगे जो है फर्टिलाइजेशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन में बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं जहां पे जयगोट की फॉर्मेशन हो जाती है वही पे फुल स्टॉप कराते हैं बट इट्स रॉन्ग ठीक है जायगॉट की फॉर्मेशन जहां तक है वहां तक तो सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो फर्टिलाइजेशन के ठीक है आपने पूरा लिखना है ठीक है मॉरूला और ब्लास्टोसिस तक लिखिया ना तब जाके आपको फर्टिलाइजेशन में पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आगे इम्प्लांटेशन के बारे में आपने लिखना है इसी के अंदर आपने ट्रोफोब्लास्ट के बारे में भी लिख के आना है बिफोर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे बना ठीक है प्लेसेंटा के बारे में जरूर लिख के आना है ठीक है और प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में जरूर लिख के आना है क्लियर आगे इसके अब नॉर्मैलिटीज के बारे में भी पूछ सकते हैं प्लेसेंटा की लाइकर एमनाई कैसे बना क्या क्वांटिटी है ठीक है एम्ब्लाइकल कॉर्ड क्या है ठीक है इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं आगे है और जब फीटल सर्कुलेशन के बारे में पूछेंगे उसमें आपने हार्ट का डायग्राम जो है ठीक है वो जरूर ड्रॉ करके कर आना है ठीक आगे है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक है या तो आपको सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन डाल देंगे या फिर किसी भी पार्ट के रिगार्डिंग पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन द चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम कोई भी एक पार्ट पूछ सकते हैं तो आपने क्या करना है इसको डिटेल्स में पढ़ के जाना है आगे है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहते हैं ठीक है ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली या फिर कोई भी एक ट्राइमेस्टर का आपको दे देंगे कि राइट इन डिटेल्स अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर ठीक आपको पता होना चाहिए और इसमें डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में आपने जो साइंस है प्रिजर्मटिव प्रोबेबल एंड पॉजिटिव साइंस ठीक है इनके बारे में भी लिख के आना है जरूर आगे है माइनर डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक है क्या क्या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक है अगर पूछेंगे तो उसकी मैनेजमेंट साथ में लिख के आना अगर नहीं पूछेंगे फिर भी ठीक है अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ क्वेश्चन ठीक है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है ठीक है उस अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है अगर तो सिंपल दो तीन नंबर में है तो आपने सिंपली नाम लिख के ठीक है उसको एक्सप्लेन करके आना कि ये ये डिसऑर्डर्स है इस वजह से होते हैं अगर ये फोर या फाइव मार्क्स में पूछा है तो साथ के साथ इसका ट्रीटमेंट जरूर लिख के आना अगर थ्री मार्क्स में भी पूछा गया है तो भी आपने इसका ट्रीटमेंट जरूर लिखना है ठीक है अगर ये फाइव मार्क्स का है तो सारा कुछ लिख के नीचे नर्सिंग मैनेजमेंट जरूर लिख के आनी है इसकी क्लियर आगे है डिफाइन एंटीनेटल केयर राइट डाउन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन एंटीनेटल पीरियड ठीक है फिर आगे क्या है डिफाइन लाई एटीट्यूड प्रेजेंटेशन पोजिशन डिनोमिनेटर एंड प्रेजेंटिंग पार्ट इनकी डेफिनेशन आपने पढ़ के जानी है डेफिनेशन स्टूडेंट आपने हर एक टॉपिक की पढ़ के जानी है क्योंकि जब तक आपको डेफिनेशंस के बारे में नहीं पता होगा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ठीक है चाहे टफ लगता, लगता है आपको टॉपिक चाहे इजी लगता है डेफिनेशन आपने हर एक की पढ़ के जानी ताकि फिर थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि लिखना क्या है एक्चुअल में ठीक है आगे बात करते हैं लेबर चैप्टर की इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं डिफाइन लेबर जो इसकी डब्ल्यू एच ओ ने डेफिनेशन दी हुई है आपने वही लिख के आनी है ठीक है डिलीवरी या प्रेगनेंसी की भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे ठीक है इसमें से टाइप्स ऑफ लेबर भी पूछ सकते हैं जैसे नॉर्मल लेबर कौन सी होती है अब नॉर्मल लेबर कौन सी होती है जैसे नॉर्मल लेबर का नाम होता है यूटोशिया एंड अब नॉर्मल का नाम होता है डिस्टोशिया तो क्या फीचर्स हैं नॉर्मल लेबर के और क्या फीचर्स हैं एब नॉर्मल लेबर के इनके बीच में भी आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं ठीक है ठीके? और सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर राइट तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर आगे क्या क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लेबर आर देर ठीक है बच्चे गलती करते हैं सिर्फ तीन स्टेजेस ऑफ लेबर लिख के आते हैं देर आर फोर स्टेजेस ऑफ लेबर ठीक है फोर्थ जो स्टेज है वो ऑब्जर्वेशनल स्टेज है अगर पूछा जाए तो आपने फोर ही लिख के आनी कि देर आर फोर स्टेजेस ऑफ लेबर हर एक के नाम लिख देना कि फर्स्ट स्टेज का क्या नाम है सेकेंड का क्या नाम है थर्ड का क्या नाम है और देखो आगे क्वेश्चन कैसे बना हुआ है कि डिफाइन ईच स्टेज एंड देर ड्यूरेशन ठीक है ड्यूरेशन साथ के साथ लिखने की फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी ग्रेविडा की कितनी ड्यूरेशन है और सेकेंड सेकेंडरी या मल्टी ग्रेविडा की कितनी ड्यूरेशन है ठीक है आपने सब लिख के आना है आगे है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ठीक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आपने जरूर लिखा ने इसी तरह से सेकेंड स्टेज ऑफ फिजियोलॉजी भी पूछी जाएगी एंड थर्ड स्टेज के भी फिजियोलॉजिकल इवेंट्स पूछे जा सकते हैं बट जो मैनेजमेंट है वो किसकी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या क्या मैनेजमेंट करनी है फर्स्ट स्टेज की सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट नहीं पूछी जाती है क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट आ जाता है इसलिए इसके जो चांसेस हैं वो ना के बराबर ही होते या कम होते हैं ठीक है थीके? क्वेश्चन पेपर में आने से तो आपने क्या करना है थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट को पूरा ध्यान से पढ़ना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक ठीक है 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 आपने कैसे प्लेसेंटल सेपरेशन होती है? और कैसे प्लेसेंटा रिमूव होता है 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 ठीक आपने सारा इसमें डिस्कस करके आना थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आगे है डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर ठीक है आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स में क्या क्या डिफरेंस uh, है आप लिखोगे राइट एंड ब्रीफ अबाउट द इमीजिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न ठीक है इमीजिएट केयर जब बच्चा पैदा हुआ है ऑन द स्पॉट आपने क्या केयर है प्रोवाइड करनी उसको बोलते हैं इमीजिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न राइट आगे एपिसोड में और उसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं ठीक है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल एडेप्टशन ऑफ न्यू बॉर्न ठीक है कौन से कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसके सिस्टम्स में अलग अलग में ठीक है रेस्पिरेशन में डाइजेस्टिव में आपने सारा कुछ लिख के आना है इसमें ठीक है एक स्कोरिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है और वो इंपॉर्टेंट क्यू है आपने सारी स्कोरिंग लिख के उसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है नीचे ठीक है आगे है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के बारे में भी पूछा जा सकता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है ठीक है आगे प्योरपीरियम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्योर पूछा जा सकता है ठीक है एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्योर भी पूछा जा सकता है उसको डिटेल्स में पढ़ के जाना मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन सा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज लैक्टेशन ठीक है लैक्टेशन की डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन क्या क्या स्टेजेस हैं जैसे मेमोजेनेसिस से लेके गलेक्टोपोइसिस तक इसकी स्टेजेस हैं ठीक है ठीके? वो आपने सारी लिख के आनी है ठीक है और कौन सी मेडिकेशंस जो हैं जो लैक्टेशन uh, को आगे बढ़ाती हैं ठीक है हेल्प करती हैं लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बेबी को फीड कराने के लिए और कौन सी मेडिकेशंस हैं जो लैक्टेशन की प्रोसेस को स्टॉप भी कराती है यहाँ पे एक एक नाम जरूर पढ़ के जाना है आगे एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉम इसके बारे में जरूर पढ़ना है क्या क्या कॉम्पोजिशन है कोलेस्ट्रोम की ठीक है आगे है माइनर डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग पे एंड राइट डाउन इट्स मैनेजमेंट ठीक है इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपने मैनेजमेंट लिखनी लिखनी है साथ में नर्सिंग की भी मैनेजमेंट लिखनी है ठीक है व्हाट इज फैमिली प्लानिंग ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं एंड डिफाइन अबॉर्शन दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबॉर्शन की डेफिनेशन अगेन डब्ल्यूएचओ वाली होनी चाहिए एंड एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन ठीक है ठीक है अब हमें पता है दो टाइप्स के अबॉर्शन है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ठीक है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कितना बड़ा है उसी में कितनी टाइप्स है ना थ्रेट एंड इनविटेबल एंड ऑल ठीक है ये आपको कैसे पूछा जा सकता है कंबाइंड फॉर्म में भी पूछा जा सकता है जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है ठीक है इससे नीचे वाला क्वेश्चन भी उसी रिलेटेड है कि वट आर द कॉजेस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्न ठीक है एंड वट आर द टाइप्स ऑफ स्पॉटेनियस अबॉर्शन राइट द मैनेजमेंट ऑफ ईच टाइप या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपको आ सकता है राइट डाउन इन डिटेल्स अबाउट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ठीक है राइट डाउन अबाउट इन्या भी टेबल सेप्टिक ठीक है कुछ भी पूछा जा सकता है आपने क्या करना है स्टार्टिंग हमेशा पहले अबॉर्शन की डेफिनेशन से ही देनी है चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर आ जाए डायरेक्टली कि राइट डाउन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपर एमएसिस ग्रेविडेरम राइड द मैनेजमेंट ऑफ दिस एंड दैट आपने हमेशा पहले डेफिनेशन देनी है फिर नीचे जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टार्ट करने से क्या होगा कि जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगेगी जब आप हर चीज को डिफाइन करके ठीक है आगे उसके बारे में लिखते हैं तो इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्लियर आगे है वॉट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन वट आर द टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन ठीक है इलीगल लीगल हमें पता है ठीक है व्हाट इज एम टीपी एक्ट व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन यानी इंडिकेशन ऑफ दिस एक्ट कौन कौन कर सकता है किस केसेस में होती है ठीक है वो सारा आपने लिख के आना है मेथड्स क्या होते हैं इंक्लूडेड एम में ट्वेल्व वीक से पहले ट्वेल्व वीक के बाद व्हाट एवर ठीक है आपने लिख के आना है आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज एक टॉपिक प्रेग्नेंसी की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी टाइप्स लिख के आनी है ठीक है इसमें से जो एक टॉपिक प्रेग्नेंसी में से मेनली पूछे जाने वाला पार्ट होता है दैट इज ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसके बारे में आपने सारा पढ़ के जाना है कि उसके कॉजेस क्या है साइन एंड सिम्टम्स क्या है ठीक है और उसकी मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट आपने लिखनी लिखनी है। ठीक है अगर आपसे पूछा जाता है राइट डाउन द मैनेजमेंट ठीक है आपने मैनेजमेंट तो वैसे की वैसे लिखनी है डायग्नोसिस क्या है मेडिकल मैनेजमेंट क्या है सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है ठीक है वो सारा लिख के ठीक है आपने एंड में क्या करना अगर मैनेजमेंट सिर्फ पूछा गया है तो एंड में आपने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर लिखनी है और शॉर्ट नोट्स में तो ट्राई करना हर एक के साथ लिखनी ही लिखनी है ठीक है यहाँ पे मैनेजमेंट पूछा गया कि राइट डाउन इट्स मैनेजमेंट इन डिटेल्स तो इसमें क्या करना है आपने सारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड उसका मेडिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट करके सारा मैनेज कर दिया नीचे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर लिखनी है इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे क्लियर है आगे है व्हाट इज द हाइड्रेटेड फॉर्म मोल ठीक है हाइड्रेटेड फॉर्म मूल किसको बोलते हैं या फिर डायरेक्टली आ जाएगा व्हाट इज वेसिकुलर मोल कुछ भी है ठीक है आपने ऑल्टरनेटिव नेम्स जो है ठीक है याद करके जाने एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट अगर नर्सिंग मैनेजमेंट आता है तो आपने नर्सिंग मैनेजमेंट पूरी लिखनी है ठीक है और साथ में लास्ट में एंडिंग कैसे करनी है हेल्थ एजुकेशन के साथ ठीक है उसी तरीके से जहां पे मैनेजमेंट पूछा गया वहां पे आपने लास्ट में एंडिंग कैसे करनी है नर्सिंग रोल uh, के साथ क्लियर

डेफिनेशन uh, आ जाएगी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ठीक एमएस ग्रेविडेर ग्रेविडेर क्या होता है ठीक है वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक है या फिर मॉर्निंग सिकनेस वगैरह आ सकता है तो आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है एमएसएस की जगह हाइपर एमएस या फिर उल्टा नहीं लिख के आना है व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ हाइपर एमएस ग्रेविडेरम एंड राइट डाउन इट्स मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट क्लियर आगे डिफाइन पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है इसकी टाइप्स क्या है लेमशियन प्रियलेमशिया अलग से पूछ सकते हैं प्रिय एक्लेमशिया का क्वेश्चन देखो व्हाट इज प्रिय एक्लेम्पिया व्हाट आर इट्स साइन एंड सिम्टम कॉजेस राइट डाउन द मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ठीक है ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ठीक है अगर एक और बात आपको आ जाता है एक्सप्लेन प्रिय एक्लेम्शिया बस ठीक है एक्सप्लेन एक्लेम्पिया बस या फिर कुछ और एक्सप्लेन हाइपर एमसिस ग्रेविडेरम बस तो आपने क्या करना है सिर्फ डेफिनेशन साइन एंड सिम्टम्स वगैरह नहीं लिख के आना एक्सप्लेन पूछा है और साथ के साथ आपने क्वेश्चन के मार्क्स देखने हैं कि कितनी वेटेज है मार्क्स की उस अकॉर्डिंगली आपने सारा लिख के आना है ठीक है थोड़ा थोड़ा करके सारा फिक्स करना है उसी में कि साइन एंड सिम्टम डेफिनेशन ठीक है उसके कॉजेटिव फैक्टर्स कौन से कौन से हैं ठीक है फिर क्या क्या है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है फिर ट्रीटमेंट क्या है मेडिकल सर्जिकल दोनों फिर आगे नर्सिंग मैनेजमेंट उसकी फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ठीक है बीच में लिख के आना है क्लियर अगर सिर्फ एक्सप्लेन पूछा है बच्चे क्या करते हैं लिख के नहीं आते एक्सप्लेन पूछा है बस उसकी डेफिनेशन टाइप्स साइन एंड सिम्टम्स बस वही लिख के आ जाएंगे पूरा नहीं एक्सप्लेन करते हैं जहां पे मार्क्स कम आते हैं ठीक है आगे डिफाइन एक्लेमशिया वॉट आर साइन एंड सिम्टम कॉजे स्टेजेस ठीक है राइट डाउन द मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया आगे है व्हाट इज पोलीहाइड्रोम्यूज ठीक है एंड ओलीगोहाइड्रोम्यूज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीपल प्रेगनेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये पढ़ के जाने आपने ठीक क्या क्या साइन एंड सिप्टुम हो सकते हैं क्या क्या कॉजेस हैं क्लियर आगे देखो एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट आईयूजीआर एंडेट्स मैनेजमेंट आई यूडी एंड्रेड्स मैनेजमेंट ठीक है पोस्ट मेच्योरिटी एंडेट्स मैनेजमेंट अब आगे है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट एड्स इन प्रेग्नेंसी अनिमिया इन प्रेग्नेंसी ठीक है माल प्रेजेंटेशन एंड माल पोजिशन की आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माल प्रेजेंटेशन कौन सी है ब्रीच प्रेजेंटेशन ठीक है टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होती है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं आगे है डिफाइंड कॉन्ट्रेक्टेड पेल्विस ठीक है उसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए ठीक है फिर इसकी मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है आगे है एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ठीक है कौन सी कौन सी होती है हाइपर एंड हाइपो ठीक है हाइपर कॉन्ट्रेक्शन में क्या क्या हो सकता है ठीक है उसकी टाइप्स बता सकते हैं आप लोग और डिटेल्स बता सकते हैं ठीक है मैनेजमेंट बता सकते हैं ठीक है थीके? आगे है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ठीक है उसके कॉजेस साइन एंड सिम्टम्स ठीक है उसकी मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट एज वेल एज प्रोलॉन्ग लेबर की भी सेम ठीक है आगे है प्रॉम प्रॉम क्या होता है प्रीमे ऑफ मेमरी कैसे होती है क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में आपने सारा लिख के आना उसकी मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पीपीएच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसकी टाइप्स क्या है कॉजेस साइन एंड सिम्टम्स क्या है ठीक है इसमें मैनेजमेंट अलग से भी पूछ सकते हैं आपको या तो फिर सिंपली आएगा राइट डाउन द मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच या फिर आ जाएगा इसमें से ही इसका पार्ट आ जाएगा रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा ठीक है तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है आगे है प्रेसिपिटेट लेबर ठीक है हाइपर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से होती है ठीक है डिफाइंड रप्चर ऑफ यूट्रस ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूट्रस जो है वो कैसे रप्चर होता है ठीक है और उसकी फिर मैनेजमेंट कैसे कैसे होती है और नर्सिंग मैनेजमेंट का क्या रोल है बीच में ठीक है आगे है डिफाइन कॉर्ट्रोलैप्स कॉप्रोलैप्स वगैरह भी आपने पढ़ के जाना है ठीक है रोल ऑफ नर्स इन सिजेरियन सेक्शन ठीक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा सिजेरियन सेक्शन के बारे में नहीं पूछा जाएगा रोल ऑफ नर्स इन सिजेरियन सेक्शन पूछा जाएगा ठीक है जिसमें आपने प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में भी बताना है ठीक है आगे क्या है ये इंपॉर्टेंट uh, ड्रग्स है अब स्टैट्रिक्स में ऑक्सीटोसिन एंटी एंटीहाइपेटेंसिस एंटी कन्वर्जेंस ठीक है इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना स्पेशली ऑक्सीटोसिन एंड टोकुलिटिक्स के बारे में तो जरूर ठीक आगे क्या है आपने लिखना है रोल ऑफ नर्स इन एडमिनिस्ट्रेट इट या फिर इन्हीं ड्रग्स का ठीक है क्या इल इफेक्ट हो सकता है जो ग्रोइंग फीटस है उस पर यहां से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो ड्रग्स है इसका क्या इफेक्ट हो सकता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ठीक है ये आपने जरूर पढ़ के जाना और उसमें नर्स का क्या रोल है वो भी पढ़ के जाना है आगे शॉर्ट नोट स्क्रीन पे आ सकते हैं टीनेज प्रेगनेंसी इन्वर्जन ऑफ यूट्रस निको प्यरपेरल पायरेक्सिया सेप्सिसम्बोफेबाइटिस ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट मेस्टाइटिस ब्रेस्ट एब्सेस प्योरपेरल साइकोसिस पॉसिप डिलीवरी एंड बैक्यूम एक्सट्रैक्शन ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बात करते हैं गायनोकोलॉजी की एक्सप्लेन द डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कोई भी टाइप उठा के पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन क्रिप्टोमेनोरिया और एक्सप्लेन डिसमेनोरिया ठीक है कुछ भी पूछ सकते हैं ठीक है आपको पता होना चाहिए इनके बारे में आगे है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ठीक है तो आपने क्या करना है इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इनफर्टिलिटी भी पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन आ सकता है मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताओ व्हाट आर द कॉजेस व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स व्हाट आर द ट्रीटमेंट ठीक है बाकी अलग से आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट अबाउट द आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ठीक आगे है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट एंड यूट्राइन प्रोलैप्स इसको प्रोसीडेंशिया भी बोलते हैं ठीक है इसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं आगे यूट्राइन मालफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है टाइप्स कौन सी कौन सी बाई

ठीक है शॉर्ट नोट्स में क्या करना है आपने फाइव मार्क्स का शॉर्ट नोट आ जाएगा या फिर फोर मार्क्स का शॉर्ट नोट आ जाएगा आपने शॉर्ट नोट्स में क्या करना है uh, जिस भी कंडीशन के बारे में पूछा है उसको लिख के उसकी एंडिंग कैसे करो आप रोल ऑफ नर्स या फिर हेल्थ एजुकेशन के साथ ठीक है इसके साथ आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ठीक ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन डू वेल थैंक यू